हेलो एवरीवन, आई एम चंद्रमन पुंडी। 30 डे ऑफ कोड चैलेंज की इस वीडियो सीरीज में आज ही हमारे डे 7 की वीडियो, और आज का टॉपिक है एरे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करिए शुरू करते हैं। तो व्हाट इज एरे? एन एरे इज अ कंटेनर ऑब्जेक्ट दैट होल्ड्स अ फिक्स नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ अ सिंगल टाइप। तो मतलब ये क्या करता है एरे, ये एक सिंगल टाइप के डेटा को स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो मेरे पास अगर मान लीजिए 10 इंटीजर वैल्यूज है तो एक एरे डिफाइन कर सकता हूं, और वो 10 की 10 वैल्यूज मैं एक एरे में स्टोर कर सकता हूं। तो एक कंटेनर होता है हमारे लिए। तो ये होता कैसा है, मतलब काम कैसे करता है ये? तो जैसे आप सामने देख पा रहे हैं इस फिगर के अंदर, अगर मान लीजिए मैं बोलता हूं एरे में मेरे को 10 एलिमेंट रखना है, 10 एलिमेंट का मतलब एरे की लेंथ हुई 10, तो मैं उनको इंडेक्सेस कैसे असाइन करूंगा? इंडेक्सेस क्या होती है? उसकी पोजीशन, कि कौन सा पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट रखा हुआ है। तो पहली जो पोजीशन होती है वो होती है 0, दैट इज 0 इंडेक्स। फिर 1, 2 से लेके जहां तक हमारा साइज है उससे एक कम तक की इंडेक्स होती है। अगर हमारा लेंथ यहाँ पे 10 है तो हमारी इंडेक्सेस होगी मैक्सिमम 9। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो डिक्लेयर कैसे करते हैं एरे को? डिक्लेयर करने के लिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का डेटा लिया है, तो इंट स्क्वायर ब्रैकेट स्पेस ARR। आप स्क्वायर ब्रैकेट इंट के साथ भी लगा सकते हैं, या ARR मतलब जो भी आपके वेरिएबल है एरे का उसके साथ भी आप या उसके आगे पीछे लगा सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट, क्रिएटिंग एन एरे। तो एरे क्रिएट करने के लिए हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि उसका साइज कितना होगा। तो जब हम लिखेंगे ARR इक्वल्स टू न्यू इंट एंड देन साइज इज 3, तो इसे रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। उसके बाद इनिशियलाइजिंग, मतलब अब मेमोरी तो मिल गई एरे को बट उसमें वैल्यूज रखनी है, हमें डेटा रखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि मैं 0 इंडेक्स की बात करता हूं, तो ARR 0 इक्वल्स टू 5, देन ARR 1 इक्वल्स टू 9। तो मतलब ये वैल्यू असाइन की हमने 0 इंडेक्स पे 5, फर्स्ट इंडेक्स यानी 1 इंडेक्स पे 9, एंड इंडेक्स 2 पे हमने वैल्यू असाइन की 2। तो चलिए कोडिंग पर आते हैं। हमेशा की तरह हमें यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव दिया गया है, टास्क है, इनपुट फॉर्मेट है, कुछ कॉन्स्टेंट्स बताए गए हैं, आउटपुट फॉर्मेट है सैंपल इनपुट एंड सैंपल आउटपुट। तो चलिए इसे समझते हैं। यहाँ पर हमें बोला गया है द फर्स्ट लाइन कंटेन्स एन इंटीजर। तो पहली लाइन क्या कंटेन करेगी? एक इंटीजर, जो डिफाइन करेगा कि हमारे एरे का साइज कितना होगा। द सेकेंड लाइन कंटेन्स एन स्पेस्ड सेपरेटेड इंटीजर डिस्क्राइबिंग एरेज एज एलिमेंट। तो मतलब सेकेंड लाइन में हमें एक ही बार में सारे एरेज में जो वैल्यू डालनी है वो एक ही लाइन के अंदर लिखनी होंगी। ठीक है, हमें अलग अलग मल्टीपल लाइन्स में नहीं लेना इनपुट, हमें एक ही लाइन के अंदर सभी एरेज की वैल्यूज को डिफाइन करना है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सैंपल इनपुट के अंदर, पहली लाइन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज 4 एग्जाम्पल के तौर पर, दूसरी लाइन में जो भी हमारे एलिमेंट्स होंगे वो हमें देने हैं, तो 1, 4, 3 एंड 2, ये एक बार में हमें पूरे स्पेसेस के साथ टाइप करने होंगे। तो चलिए कोडिंग स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह हमें यहाँ पर एक क्लास सॉल्यूशन दी गई है, एक स्कैनर का बना बनाया ऑब्जेक्ट दिया गया है, मेन मेथड है, उसके अंदर इनपुट का काम ऑलरेडी इन्होंने किया हुआ है, हमें सिर्फ आउटपुट का काम करना है। हमें आउटपुट में करना क्या है, देखिए यहाँ पर हमें अगर इनपुट में है 1, 4, 3, 2 तो उसे हमें रिवर्स में प्रिंट कराना है, दैट इज 2, 3, 4, 1, दैट्स इट। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें एक बार इनपुट की, ये किस तरीके से लिया गया है, तो देखिए सबसे पहले हमें डिफाइन किया गया है इंट एन, और एक इनपुट लिया गया इंटीजर, उसके बाद एक एरे का ऑब्जेक्ट बनाया गया है, उसको एन से इनिशियलाइज किया गया है कि जो भी यूजर इनपुट लेगा उतने एरे को साइज रन टाइम पे मिल जाएगा। उसके बाद एक और इन्होंने स्ट्रिंग एरे करके लिया है, एरे आइटम्स, तो इसमें करा क्या है, जो सेकंड लाइन का इनपुट होगा वो इसके अंदर आएगा हमारा एक बार के अंदर। स्प्लिट मेथड क्या करेगा, जो भी स्पेसेस होंगे, देखिए हम जैसे मैं 1, 2, 3, 4 तो हम सारे जो एलिमेंट टाइप करेंगे उनके बीच में स्पेस देंगे, उस स्पेस के अकॉर्डिंग ये उन एलिमेंट्स को एक एरे में कन्वर्ट कर देगा, और उसे हम स्टोर करा रहे हैं ARR आइटम्स के अंदर। यहाँ पर फिर जो भी स्ट्रिंग के अंदर हमारे एलिमेंट्स थे इनको पार्स करा गया इंटीजर के अंदर, और उसको हमने एरे जो हमारा ARR था उसके अंदर स्टोर करा लिया है। आउटपुट के लिए कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है, जो भी इनपुट है उसे रिवर्स में प्रिंट कराना है, तो मैं लिखूंगा 4। हम यहां पर एक रिवर्स लूप चलाएंगे, मतलब उल्टी लूप, तो इंट आई की जो मैक्सिमम वैल्यू लेंगे वो हम लेंगे जो एरे की जो लास्ट इंडेक्स है, जो मैक्सिमम लेंथ है उससे कम, तो मतलब एन आई इक्वल्स टू एन माइनस 1। उसके बाद आई की जो वैल्यू कहां तक आएगी, 0 तक आएगी, आई इज इक्वल्स टू
greater than or equals to 0 and minus minus. तो हम यहां पर यूज करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट. इसके अंदर हम जो हमारा एरे है ए आर आर उसका इंडेक्स पास करेंगे और उसकी वैल्यू प्लस मतलब प्रिंट हो जाएगी. प्लस हमें उसका स्पेस देना है एक एलिमेंट्स के बीच में प्रिंट करने के लिए. तो चलिए कोड को रन करते हैं. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारा कोड सक्सेसफुली रन हुआ, हमारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं. तो इसे सबमिट कर देते हैं. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन. तो यू सॉल्व दिस चैलेंज. तो आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो कल शाम को 9 बजे आपको मिल जाएगी. आज के लिए इतना ही. धन्यवाद.